नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेकर के। किन रिश्तेदारों से आया गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, तो आज की इस वीडियो में सर मैं आने वाली स्लाइड्स के थ्रू आपके सामने उन रिश्तेदारों को प्रकट करने की, डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा। यदि उनसे आप गिफ्ट लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आगे की स्लाइड्स में सर ये डिस्कशन आपके साथ लेकर चलता हूं। सबसे पहले सर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 56 कुछ विशिष्ट प्रकार के गिफ्ट्स के रिसीव्ड होने पर टैक्सेशन लेकर के आती है। सरल शब्दों में कहूं तो जो लिस्ट मैंने यहां पर दी है सर, यदि आप उस तरीके के गिफ्ट रिसीव करते हैं तो आपको टैक्सेशन की पॉसिबिलिटी है। यदि इस लिस्ट में मेंशन्ड किसी प्रकार के आर्टिकल के अलावा यदि आपको कोई और स्वरूप में गिफ्ट मिलता है तो आपको गिफ्ट का टैक्सेशन नहीं आएगा। तो एक बार सरसरी तौर पर सर ये गिफ्ट आपकी नजर में लेकर के आता हूं कि गिफ्ट कुड बी रिसीव्ड इन मनी फॉर्म, इमोबल प्रॉपर्टी यानी किसी प्रकार की संपत्ति जो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या अदर स्पेसिफाइड एसेट्स जो कि शेयर्स या सिक्योरिटीज हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकते हैं, स्कल्पचर्स हो सकता है, वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है, या सर बुलियन हो सकता है। यानी आपको चिंता करने की या सोचने की जरूरत है यदि आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और इन फॉर्मेट्स में रिसीव कर रहे हैं। यदि आप इनके अलावा किसी और फॉर्मेट में रिसीव करते हैं तो आज की डेट में सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके टैक्सेशन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं करता है। अब सर इस चार्ट को देखिएगा आप सर, मैंने इसका टाइटल दिया है गिफ्ट इज एग्जम्प्ट व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम। यदि आप इन लोगों से इन मौकों पर गिफ्ट रिसीव करते हैं तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको प्राप्त हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। कब कब सर? व्हेन योर गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव। यदि आपको रिश्तेदार से गिफ्ट रिसीव होता है, और मेरे आज के इस प्रेजेंटेशन का, इस वीडियो का टाइटल ये है सर, किन रिश्तेदारों से आया गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, तो हमें आगे यह विचार जरूर करना है कि कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे यदि मुझे गिफ्ट रिसीव होता है तो मुझे टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सर उस पर डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा, परंतु अभी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गिफ्ट इज एग्जम्प्ट व्हेन रिसीव फ्रॉम ए एनी रिलेटिव, बी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। यदि आपकी शादी है सर, विवाह का मौका है, तो नेचुरली सर आपको गिफ्ट रिसीव होते हैं नकद में भी, अदर फॉर्मेट्स में भी, तो ऐसे गिफ्ट के टैक्सेशन इनकम टैक्स लॉ नहीं अट्रैक्ट करता। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, यदि उत्तराधिकार में या विल के द्वारा आपको कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो भी सर आपको गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, जो व्यक्ति गिफ्ट कर रहा है उसको लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और वो उस कंटेम्पलेशन में, उस प्रत्याशा में आपको कोई गिफ्ट एसेट कर देता है, इवन इफ ही इज नॉट योर रिलेटिव, आपको गिफ्ट का टैक्सेशन नहीं आएगा। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, कई बार ऐसा होता है सर कि नगर निगम, नगर पालिका किसी विस्थापित को कोई एक पर्टिकुलर मकान, कोई सहायता राशि देती है, तो ऐसी सहायता राशि या मकान टैक्सेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से सर सेक्शन 1023 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में या सेक्शन 12A, 12EE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी कभी कभी कोई ट्रस्ट डोनेशन करता है किसी व्यक्ति को किसी के बेनिफिट के लिए, तो ऐसे रिसिपिएंट के हाथ में डोनेशन टैक्सेबल नहीं होगा। एंड सर इसके साथ साथ सेक्शन 47 के कुछ स्पष्ट मोड हैं जिनके अंदर यदि कोई एसेट रिसीव होती है तो उसका टैक्सेशन नहीं होता, जैसे अमालगमेशन, डीमर्जर वगैरह। और लास्ट सर, फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टेब्लिश होली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, तो यदि मेरे रिलेटिव ने मेरे बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है तो ऐसे ट्रस्ट को जो संपत्तियां रिसीव होती हैं वो उस ट्रस्ट के लिए एक एग्जम्प्ट गिफ्ट होती हैं। तो सर मेरा मूल डिस्कशन पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपके सामने इन टोटेलिटी एक लिस्ट रखी है कि इन इन व्यक्तियों से एवं इन परिस्थितियों में आया गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। और ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है सर, ये लिस्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में मेंशन्ड है इनकम टैक्स एक्ट के, वहीं से सर इस लिस्ट को मैंने उठाया है। अब ये वो महत्वपूर्ण बात है सर जिससे मैंने अपने आज के टॉपिक को शुरुआत दी है, हु इज द रिलेटिव फॉर एन इंडिविजुअल। मेरे लिए इंडिविजुअल के रूप में मेरे रिश्तेदार कौन कौन हैं? इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव मीन्स, एक इंडिविजुअल के लिए उसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं?
नंबर वन स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी मेरी पत्नी मेरी रिश्तेदार हुई, और यदि मान लीजिए मैं पत्नी हूं तो मेरे पति मेरे रिश्तेदार हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे जो भी भाई बहन हैं सर, यहाँ पर सर भाई बहन में कजन भाई बहन नहीं आएंगे, यहाँ पर भाई बहन में जो भी ब्लड रिलेशन के साथ में आपके ब्रदर या सिस्टर हैं वही शामिल होंगे। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज इंपॉर्टेंट सर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी मेरी पत्नी के, या मैं यदि एक स्त्री हूं तो मेरे पति के जो भी भाई या बहन हैं वो भी सर मेरे रिश्तेदार हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है सर कि यदि मेरे रिश्तेदार वो भी हैं जो मेरे पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर हैं, यानी मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, मेरे मदर की ओर से यदि मैं देखूं तो मेरे मामा जी, मेरे मासी जी, इसी प्रकार से मेरे पिताजी की बहन यदि बुआ जी, मैं इनकी बात करूं तो ये भी सर मेरे रिश्तेदार हैं। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियन असेंडेंट यानी मैं यदि ऐसे बोलूं कि मैं यदि एक पुरुष हूं और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, ऐसे ही मेरे डिसेंडेंट में मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परपोता, ये मेरे लीनियन असेंडेंट एवं डिसेंडेंट हो गए। यदि इनसे मैं कोई गिफ्ट रिसीव करता हूं तो मेरे को किसी प्रकार की कोई ट्रबल इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आगे देखिए सर, एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अब लीनियन असेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल में बात करूं, यदि मैं अपने को मध्य में रख के बात करता हूं कि मेरी पत्नी के पिताजी यानी मेरे ससुर जी, मेरी पत्नी के दादाजी यानी मेरे दादा ससुर, मेरी पत्नी के परदादाजी यानी मेरे परदादा ससुर, यदि इनसे मैं गिफ्ट रिसीव करता हूं तो भी सर मुझे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू किसी प्रकार का कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो लास्ट चीज लिखी है सर, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन आइटम बी टू एफ अबव, ऊपर जो लिस्ट है सर, इन व्यक्तियों के यदि स्पाउस से भी मैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करता हूं तो मुझे इनकम टैक्स एक्ट में किसी प्रकार की कोई ट्रबल नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉज बी में मैंने आपसे बात करी सर यहां पर कि ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल से आया गिफ्ट टैक्सेबल नहीं। अब मान लीजिए मैं ब्रदर से नहीं लेकर के मेरी भाभी से कोई गिफ्ट रिसीव करूं, इसी प्रकार से मैं सिस्टर से न लेकर मेरे जीजाजी से कोई गिफ्ट रिसीव करूं तो सर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो नया गिफ्ट का टैक्सेशन का सेक्शन है वो सर मुझे वहां पर टैक्सेशन के लिए कवर नहीं करता। तो सर ये कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने जो लॉ से मैंने उठाई है सीधे कि यदि इन व्यक्तियों से आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो जब भी सर आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं आप देखिए कि जिस व्यक्ति से आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं यदि वो सो कॉल्ड रिश्तेदार है, क्या वो रिश्तेदार इस लिस्ट में फॉल करता है? यदि हाँ तो सर उस व्यक्ति से आने वाले गिफ्ट पर आपको टैक्सेशन की कोई समस्या नहीं होगी। यदि वो व्यक्ति इन रिश्तेदारों की लिस्ट में शामिल नहीं है परंतु अदरवाइज आपका रिश्तेदार है तो ऐसी परिस्थिति में सर आपको यह देखना होगा कि नंबर वन, क्या वो गिफ्ट मेरे द्वारा आगे बताई गई किसी प्रकार की लिस्ट ऑफ आइटम में से कवर्ड है? यदि हाँ तो क्या वो पर्टिकुलर आइटम जनरली 50,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट का है तो मुझे सर टैक्सेशन फेस करना पड़ सकता है। तो आई होप सर कि आपको ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिलेटिव्स की लिस्ट आने वाले समय में किसी प्रकार का गिफ्ट रिसीव करते समय बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम में आएगी। मैंने सर यहां पर एक लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है, मैं केवल एक बार उन्हें रीड करता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ग्रेट ग्रैंडफादर परदादाजी, ग्रैंडफादर दादाजी, फादर पिताजी, सन बेटा, इन लोगों से मुझे गिफ्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट ग्रैंड मदर मेरी परदादी, ग्रैंड मदर मेरी दादी जी, मदर मेरी माँ, डॉटर बेटी, इनसे यदि मुझे गिफ्ट आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर मेरा भाई, ब्रदर्स वाइफ मेरी भाभी, सिस्टर मेरी बहन, सिस्टर्स हस्बैंड मेरे जीजाजी, इनसे कोई गिफ्ट आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सन्स वाइफ मेरी बहू, डॉटर्स हस्बैंड मेरा जवाई, फादर इन लॉ मेरे ससुर जी, मदर इन लॉ सासू माँ, इनसे कोई गिफ्ट आ रहा है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से मैं एज अ मेल की बात कर रहा हूँ ये सारी बातें एक फीमेल के रूप में भी इक्वली लागू होंगी। वाइफ्स ब्रदर मेरी वाइफ है उनके ब्रदर से मुझे कोई गिफ्ट आ रहा है दिक्कत नहीं है। वाइफ सिस्टर ठीक है यानी मेरी साली जी हैं उनसे गिफ्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स ब्रदर ऐसे ही फादर सिस्टर यानी मेरे चाचा जी ताऊ जी या मेरी बुआ जी से मुझे कोई गिफ्ट आएगा कोई टैक्सेशन नहीं है।
मदर्स ब्रदर यानी मेरे मामा जी, मदर्स सिस्टर मासी जी, मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी जी, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड मौसा जी, इनसे गिफ्ट आए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स ब्रदर्स वाइफ यानी मेरी ताई जी या मेरी चाची जी, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड यानी मेरे फूफा जी, या ग्रैंडसन मेरा पोता, ग्रेट ग्रैंडसन ठीक है यानी मेरा परपोता, इनसे भी गिफ्ट आ रहा है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड्स ब्रदर ठीक है जिसे जेठ जी या देवर कहा जाए, हस्बैंड सिस्टर ननद कहा जाए, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द स्पाउस मैं अपने दादा ससुर से ले लूं या मेरी वाइफ उनके दादा ससुर से ले ले ठीक है, ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द स्पाउस इनसे भी यदि कोई गिफ्ट आता है तो कोई प्रकार की समस्या नहीं है। यहां आने वाला गिफ्ट टैक्सेबिलिटी के स्कोप के अंदर प्राइमा फेसाई नहीं कवर होता। अब यहां पर देखिए सर, मैंने उदाहरण के थ्रू आपके बेटर रेफरेंस के लिए एक बार फिर से बात रखने की कोशिश करी है कि यदि एक पर्टिकुलर परिस्थिति में मां अपने बेटे से गिफ्ट रिसीव कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मां बेटे से कुछ भी अमाउंट रिसीव कर सकती हैं, कोई भी एसेट रिसीव कर सकती हैं, कोई गिफ्ट के अंदर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी प्रकार से एक बिटिया अपने पिताजी से गिफ्ट रिसीव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सर, एक कजन दूसरे कजन से गिफ्ट रिसीव कर रहा है, यानी मैं मेरे चाचा जी या ताऊ जी के बच्चों से कोई गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ, या मेरी मासी जी की ओर से परिवार से जो मेरे भाई बहन हैं उनसे गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ, सर वो मेरे रिलेटिव्स नहीं है इस 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के मद्देनजर। तो ऐसी परिस्थिति में सर, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मैं यदि उन रिश्तेदारों से गिफ्ट रिसीव करता हूं तो वो रिलेटिव से आया गिफ्ट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना जाएगा और मुझे टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब देखिए सर, एक ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर से गिफ्ट रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक साले साहब अपने जीजाजी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, वाइजी वर्जा हो रहा है, यानी जीजा साले से या साले साला जीजाजी से ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चाचा जी से देखिए सर, आप चाचा जी से भतीजा गिफ्ट रिसीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ठीक उल्टा उदाहरण है सर, यदि ताऊ जी भतीजे से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो सर ये पर्टिकुलर गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा यदि 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो इनकम टैक्स का है उसकी शर्तें यहां पर कवर्ड हो जाती हैं। तो एक ही बात देखिएगा सर आप, ये उदाहरण में गिफ्ट एग्जम्प्ट है लेकिन इस उदाहरण में सर गिफ्ट टैक्सेबल है। तो सर गिफ्ट के अंदर कौन व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये बात खड़े होकर के देखनी है। मैं रिसिपिएंट की दृष्टि से देखूंगा, गिफ्ट प्रोवाइडर के लिए गिफ्ट रिसिपिएंट रिश्तेदार है या नहीं है ये नहीं देखना है, गिफ्ट रिसिपिएंट के लिए गिफ्ट प्रोवाइडर रिश्तेदार है यह देखना महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पक्ष को ध्यान रखेंगे सर तो आपसे गिफ्ट रिसीव करते समय किसी प्रकार की गलती नहीं होगी और आप किसी प्रकार की अनवांटेड टैक्स इंप्लीकेशन के अंदर नहीं फंसेंगे। अब मैं सर अपने इस डिस्कशन को विराम देता हूं लेकिन बिफोर आई फिनिश मैं एक अंतिम एडवाइस आपके सामने दे रहा हूं कि कुछ लोग मुझसे ऐसा भी पूछते हैं कि भाटिया जी मैं एक काम करता हूं, मेरे भाई से मैं गिफ्ट के रूप में 1,00,000 रुपए ले लेता हूं, क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं। तो मैंने बोला साहब कोई टैक्सेबल नहीं है, दिक्कत नहीं है। बोले नहीं लेकिन क्या है कि मेरे भाई के पास तो पैसे है नहीं तो मैं उसको 1,00,000 रुपए नकद दूंगा, वो अपने खाते में जमा कराएगा और वो मेरे को दे देगा तो क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैंने जैसे पहले बोला सर आपको कि गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ब्रदर इज अ रिलेटिव, तो ऐसी परिस्थिति में कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने ही मेरे भाई को नकद दिया, उसने वो जमा कराया, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्वेरी हुई और हम सोर्स नहीं एस्टेब्लिश कर पाए कि जो असेसी है उसके भाई के पास में पैसा कहां से आया था, तो सर ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको घेर सकता है कि साहब जब सामने वाले के पास सोर्स ही नहीं था और आप ही ने क्यों नहीं अपना कैश देकर के उससे वो पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करी हो। तो ऐसी परिस्थिति में सर लिया गया गिफ्ट यद्यपि सेक्शन 56 के अंदर तो एग्जम्प्ट है लेकिन सर ये पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश क्रेडिट मानते हुए आपके हाथ में जोड़ सकता है। तो मैं सर जो अंतिम रूप से थैंक्स के साथ साथ आपको जो बात कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि केवल ये कह देना कि रिश्तेदार से आया गिफ्ट है इसलिए टैक्सेबल नहीं है, इसके साथ यह महत्वपूर्ण बात जोड़ी जानी बहुत जरूरी है कि जिस रिश्तेदार ने गिफ्ट दिया है क्या उसके पास में उस गिफ्ट के डिफाइंड सोर्सेस थे या नहीं थे, एक्सप्लिसिट सोर्सेस थे या नहीं थे। यदि वो सोर्सेस नहीं थे तो ऐसे गिफ्ट को रिसीव करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें सर इन सब बातों का ध्यान रखना है।
एंड मैं आशा करता हूं सर कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत हद तक गिफ्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट पर, जब एक इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव कर रहा है, क्लैरिटी देने में शामिल रही होगी, क्लैरिटी देने में एक सहायक रही होगी। यदि आपकी गिफ्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरीज होगी तो मैं सर उन्हें अपनी ओर से सॉल्व करने की निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।